हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज है 10th of August और डेली की तरह हम आज भी द हिंदू वोकैबुलरी का सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम सीखते हैं डेली 10 to 20 न्यू वर्ड्स जो कि डेली न्यूज़पेपर में आए होते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल में होने वाली क्लासेस के बारे में। जो फर्स्ट क्लास है वो डेली दोपहर में 12 बजे होती है, जो कि है द हिंदू वोकैबुलरी की क्लास, यानी कि जिस क्लास में अभी आप लॉग इन है। और दूसरी क्लास होती है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है डेली मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे। तो इन क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगे टाइम से। तो चलिए फिर आज के हम डेली जो 20 वर्ड्स हैं वो देखते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है फिजिबल, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में अर्थ होता है संभव, पॉसिबल टू एड इजीली और कन्वीनियंटली। ठीक है, ये ओडी मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, एड होना चाहिए आई थिंक। सो पॉसिबल टू एड इजीली और कन्वीनियंटली, इसके सिनोनिम होते हैं प्रैक्टिसेबल, प्रैक्टिकल, वर्केबल और अचीवेबल। इसके एंटोनिम्स होते हैं गाइस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, इम्प्लॉजिबल, इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल है इस वर्ड के लिए सी क्वेश्चन वेदर इट वॉज फिजिबल टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट इन दीज रीजन्स। इसको लर्न करने की ट्रिक है, आप पॉसिबल से इसको लर्न कीजिएगा फिजिबल को। द प्रैक्टिस इज फिजिबल एंड पॉसिबल। तो प्रैक्टिस कैसी थी, पॉसिबल भी थी और फिजिबल थी, दोनों ही सिमिलर सिमिलर वर्ड हैं, रिलेटेड वर्ड्स है फिजिबिलिटी और फिजिबलनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीकिंग, कल भी ये वर्ड आया था। यह एक वर्ब है, मीनिंग होती है अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, यानी कि तलाश करना। सिनोनिम होता है एक्सप्लोर, फॉलो, इन्वेस्टिगेट और परस्यू। एंटोनिम्स है गाइस इग्नोर, शन, आंसर और फाइंड। एग्जाम्पल है द ऑफिस इज सीकिंग अ सेल्स पर्सन, ऑफिस को एक सेल्स पर्सन की तलाश है। इसकी ट्रिक होती है सीकिंग को आप लोग लर्न करेंगे स्ट्रीकिंग से, तो दे आर सीकिंग फॉर द स्ट्रीकिंग पार्ट। रिलेटेड वर्ड्स है गाइस सीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्ब, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है नियंत्रण रखना। इसकी मीनिंग है अचैक और रेस्ट्रेन ऑन समथिंग। फोटो में आप देख सकते हैं। सिनोनिम है गाइस रेस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्शन, चेक और ब्रेक। एंटोनिम है लूजन, लिबरेट, अनलीज और एक्सप्रेस। क्लियर है गाइस? लूजन या लिबरेट करना, अनलीज करना, यानी कि किसी चीज को ढील देकर रखना। एग्जाम्पल है ही कॉल्ड फॉर एनर्जी कंजम्पशन टू बी कर्ब्ड। ट्रिक है इसको लर्न करने की, ही हैज कर्ब टू नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन। उसको कंट्रोल में रखा गया है ताकि वो किसी को डिस्टर्ब ना कर पाए। तो आप डिस्टर्ब को, सॉरी कर्ब को डिस्टर्ब से आप लोग लर्न करेंगे। रिलेटेड वर्ड्स है कर्बिंग और कर्ब। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेजन, जो कि एक नाउन है गाइस। हिंदी में इसका मतलब होता है आक्रमण। मीनिंग होती है एन इंस्टेंस ऑफ इन्वेडिंग अ कंट्री और रीजन विथ एन आर्म फोर्स, यानी कि आर्मी की मदद से या फोर्स की मदद से किसी कंट्री में या किसी क्षेत्र पर क्या करना, अधिकार करने के लिए आक्रमण कर देना। सिनोनिम होता है ऑक्यूपेशन, कॉन्करिंग, कैप्चर और सीजर। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, रिट्रीट, सरेंडर और विड्रॉल। एग्जाम्पल है ब्रिटिश ट्रूप्स स्प्रेड हेड द इन्वेजन। ठीक है, इसको लर्न करने की ट्रिक होती है, इन्वेजन को आप मेंशन से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा वाई, दे हैड डन द इन्वेजन ऑन द मेंशन, उन्होंने उस मेंशन में आक्रमण कर दिया। ठीक है, उसमें कब्जा करने के लिए। रिलेटेड वर्ड्स गाइस इन्वेसिव और इन्वेडिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लीमेंट, जो कि एक वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अमल में लाना। मीनिंग होती है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ डिसीजन और प्लान इन टू इफेक्ट, यानी कि किसी मतलब ऐसी प्रोसेस जो कि किसी डिसीजन को या प्लान को इफेक्ट में लेकर आती है। फोटो में आप देख सकते हैं।
सिनोनिम्स होते हैं एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस और इनेक्टमेंट। एंटोनिम्स है गाइज अबंडन, ठीक है, डिसरिगार्ड, फॉरगेटफुलनेस और नेगलेक्ट। एग्जाम्पल है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग वॉज स्टेगर्ड फॉर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इसको लर्न करने की ट्रिक है, इम्प्लीमेंटेशन को आप लोग लर्न करेंगे सेटिस्फेक्शन से। कैसे करेंगे सुनिए, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इज डन विद द सेटिस्फेक्शन। जो प्लान को इम्प्लीमेंट करने जो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन था वो कैसे किया आपने, सेटिस्फेक्शन के साथ किया। रिलेटेड वर्ड्स है इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटिंग और इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वर्ड है स्लैम, जो कि एक वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब होता है पटक दिया। जैसे कि शट करना किसी डोर या विंडो को या किसी लिड को फोर्सफुली या लाउडली, यानी कि बहुत जोर से आप दरवाजे को पटक देते हैं, कई बार पटक के लगाते हैं उसको, उसके लिए हम लोग स्लैम्ड वर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम होता है बैंग, अटैक, स्कॉल्डेड और ब्लास्टेड। एंटोनिम्स है इसके लिए लूज, ओपन, स्लैक और अनलीस्ड। एग्जाम्पल है ही स्लैम्ड द डोर इन माई फेस, उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा होता है ना कई बार, आपने मूवीज में भी देखा होगा। ट्रिक है इसको लर्न करने की, दे स्कैम्ड देयर मनी एंड स्लैम्ड देम ऑन द ग्राउंड। वो क्या करते हैं, पहले उनके पैसे को छीन लेते हैं, है ना, उसको चुरा लेते हैं और बाद में उसको ग्राउंड में पटक भी देते हैं। तो स्कैम्ड से आप लोग स्लैम्ड को लर्न करेंगे, रिलेटेड वर्ड है स्लैमिंग। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्ट्रिंजेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ होता है कठोर। इसकी मीनिंग होती है वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिंजेंट मतलब वेरी स्ट्रिक्ट। क्लियर है, फोटो में आप देख सकते हैं। सिनोनिम है गाइज स्ट्रिक्ट, फर्म, राइट और रिगोरस, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनिम्स है लीनियंट और फ्लेक्सिबल। लीनियंट यानी कि किसी को भी बड़ी आसानी से मोल्ड किया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल होता है द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन वॉलेंटियर्स वर स्ट्रिंजेंट। जो कंडीशन थी जो कि वॉलेंटियर्स के ऊपर क्या करी गई, लगाई गई, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, स्ट्रिंजेंट थी। ट्रिक है द एजेंट टेक्स स्ट्रिंजेंट डिसीजन। आप एजेंट से स्ट्रिंजेंट को आप लर्न करेंगे कि उसने बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया। रिलेटेड वर्ड है स्ट्रिंजेंटली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडिजेनस, जो कि एक एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका अर्थ होता है स्वदेशी। इसकी मीनिंग होती है ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में क्या करना, ओरिजिनेट होना, ठीक है, यानी कि वहाँ के नेटिव लोग या कोई भी चीज भी हो सकती है। ये जो वर्ड है, कल एक दिन था ना, है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल, इसलिए ये वाला वर्ड आया है, ठीक है। आपको पता है ये कहाँ के इंडिजिनस पीपल है, कहाँ के लोग हैं, पता है ना, मूलतः ये ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन लोग ऐसे होते हैं, और जो अभी प्रेजेंट में देखने मिलते हैं ना व्हाइट पीपल ऑस्ट्रेलिया के, वो यूरोप से गए हुए हैं, ठीक है ना। इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, आप YouTube में सर्च करके देखना कि ऑस्ट्रेलिया कैसे बना, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है गाइस, अब ये वहां पे माइनॉरिटी हो चुके हैं, क्लियर है। तो इंडिजिनस मतलब होता स्वदेशी, यानी कि वहीं के मूलतः, ठीक है, जिनका ओरिजिनेशन एक पर्टिकुलर प्लेस से हुआ होता है, उनके लिए हम इंडिजिनस वर्ड यूज करते हैं। सिनोनिम है नेटिव, एंडेमिक, लोकल और डोमेस्टिक। एंटोनिम होते हैं इंट्रोड्यूस, इम्पोर्टेड, ठीक है, एक्सपैट्रिएट और एडवेंचरस। एग्जाम्पल है द पार्क इज ऑल्सो होम टू द इंडिजिनियस ट्राइब्स। ट्रिक है दीज इंडिजिनस ट्राइब्स आर सस्पिशियस, ठीक है ना। जो इंडिजिनस ट्राइब्स है वो कैसी है, सस्पिशियस है, यानी कि संदेह के दायरे में है। तो आप इंडिजिनस से सस्पिशियस को भी लर्न कर सकते हैं, वरना नॉर्मल सा वर्ड है, आसानी से याद रह जाएगा, बहुत यूज होता है। रिलेटेड वर्ड है इंडिजेनाइन, ठीक है, सॉरी इंडिजेनाइज है, ठीक है, यानी कि उसको उस देश का बनाना। नेक्स्ट है परसेप्शन, जो कि एक नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ होता है अनुभूति। मीनिंग होती है द एबिलिटी टू सी, हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। क्लियर है। सिनोनिम है इनसाइट, सेंसिटिविटी, ठीक है,
परसेप्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग। एंटोनिम है गाइस डेंसिटी, डलनेस, ठीक है, इरेशनैलिटी और ऑब्ट्यूजनेस। इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे इसमें, सिनोनिम और एंटोनिम है। एग्जाम्पल है, इट इज माई परसेप्शन दैट हिज आर्ग्यूमेंट वॉज फंडामेंटली फ्लॉड, ठीक है, ऐसा मुझे फील हुआ, ऐसा मेरा परसेप्शन है कि जो उसका आर्ग्यूमेंट था वो कैसा था, फ्लॉड था, यानी कि त्रुटिपूर्ण था, ठीक है। ट्रिक है एक्सेप्शन से आप लर्न करना परसेप्शन को, ही इज एक्सेप्शन इन परसेप्शन, रिलेटेड वर्ड है परसेप्टिव और परसेप्टिवली। नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन, जो कि एक नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को कैद करके रखना, जैसे कि आप देख सकते हैं। कन्फाइनमेंट और इम्प्रिजनमेंट यूजुअली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े से समय के लिए क्या करना, आपको कैद करके रखना, इसको हम बोलते हैं डिटेंशन। सिनोनिम है कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट और इनकार्सरेशन। एंटोनिम्स है गाइस असिस्टेंस, हेल्प, फ्रीडम और लिबरेशन। एग्जाम्पल है ही वॉज कैप्ट इन डिटेंशन बाय द पुलिस, उसको पुलिस के द्वारा कस्टडी में रखा गया उसको, ठीक है, डिटेंशन करके रखा गया। ट्रिक है डिटेंशन को आप लर्न करेंगे इंटरेक्शन से, द डिटेंशन लिमिट्स इंटरेक्शन, अगर आपको कैद कर दिया जाए तो आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स डिटेंशन लिमिट्स इंटरेक्शन। रिलेटेड वर्ड्स है डिटेन्ड और डिटेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिवेंट, जो कि एक वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। हिंदी में इसकी मीनिंग नहीं लिखी है, मैं लिख देता हूँ, संरक्षण। हिंदी में क्या होती है इसकी मीनिंग, संरक्षण। सिनोनिम होता है अवर्ट, अवॉइड, बार और ब्लॉक। एंटोनिम्स है गाइस अप्रूव, असिस्ट, कंटिन्यू और एनकरेज। एग्जाम्पल है यू कांट प्रिवेंट माई लिविंग। ट्रिक है दे हेल्प्ड अस टू प्रिवेंट फ्रॉम हिज बैड इवेंट, उसने उसके बैड इवेंट से बचाने में उसकी मदद की। रिलेटेड वर्ड्स है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटिंग और प्रिवेंटेटिवली। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्व, इसका मतलब संरक्षित होता है, यह एक वर्ब है, मीनिंग है मेंटेन समथिंग इन इट्स ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि जैसा है वैसा उसको मेंटेन करके रखना। फोटो में आप देख सकते हैं कोशिश करी जा रही है। सिनोनिम होता है अनटच्ड, ठीक है, अनकंटेमिनेटेड, ठीक है, अनस्पॉइल्ड और प्रिस्टाइन, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम होते हैं डिकेड, डिकम्पोज्ड, करप्टेड और स्पॉइल्ड। एग्जाम्पल है द फॉसिल वॉज वेल प्रिजर्व, जो फॉसिल था उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया। ट्रिक है द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द प्रिजर्व आइटम, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया प्रिजर्व आइटम को। ऑब्जर्व से आप प्रिजर्व को लर्न करेंगे। रिलेटेड वर्ड है प्रिजर्वेशन, प्रिजर्विंग और प्रिजर्वेबल। नेक्स्ट है ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन जो कि एक नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ होता है क्षेत्राधिकार। मीनिंग होती है द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स, यानी कि अपने, यानी कि आपके पास ऐसी पावर होना जिसमें आप लीगल डिसीजन ले सकते हैं और जजमेंट्स अपने दे सकते हैं, क्लियर है, जो सबके लिए मान्य होते हैं। सिनोनिम है अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर और डोमिनियन। एंटोनिम है गाइस इंपॉर्टेंस, ठीक है, इनकैपेसिटी, पावरलेसनेस और सबमिशन। एग्जाम्पल है द कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर मोस्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस, ज्यादातर क्रिमिनल ऑफेंसेस का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो कोर्ट के पास होता है। ट्रिक है द ज्यूरिसडिक्शन हैज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, तो स्ट्रिक्ट से आप लर्न करना। रिलेटेड वर्ड है ज्यूरिसडिक्शनल और ज्यूरिसडिक्शनली। नेक्स्ट है अनाउंस्ड, जो कि एक वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब होता है घोषणा करना। मीनिंग है मेक अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ फैक्ट, अकरेंस और इंटेंशन। सिनोनिम होता है कॉल, डिक्लेयर, डिस्क्लोज और इशू, क्लियर है। एंटोनिम होता है कंसील करना, हाइड करना, इसको कंसील पढ़ते हैं। मैं कई बार स्पेलिंग लर्न रखने के लिए अपने प्रोनंसिएशन चेंज कर देता हूँ, तो कई बार वो वाले निकल जाते हैं लक्ष्य में, तो मैं इसको, इसकी स्पेलिंग याद रखने के लिए मैं इसको कॉन्सील बोलता हूँ, बट इसका प्रोनंसिएशन होता है कंशील, ठीक है। फिर हाइड, होल्ड और कीप।
एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कट इन टैक्सेस, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट किया कि टैक्स में आपको थोड़ी सी छूट मिलेगी, राहत मिलेगी। ट्रिक है द मैनेजर वॉज अनाउंसिंग द एनहेंसिंग टेक्निक्स। एनहेंसिंग से आप अनाउंसिंग को लर्न कर लेना। रिलेटेड वर्ड है अनाउंसिंग और अनाउंसमेंट। नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रिटी, हिंदी में इसका अर्थ होता है अखंडता। यह एक नाउन है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। क्लियर है गाइस। एग्जाम्पल है, सॉरी, इसके सिनोनिम्स हैं ऑनेस्टी, अपराइटनेस, ठीक है, प्रोबिटी और रेक्टिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत अच्छा वर्ड है, इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है गाइस। यहाँ पर इंटीग्रिटी अखंडता का सेंस नहीं देता है, ठीक है ना, इसका दूसरा भी अर्थ होता है, ठीक है ना। आप लोग सर्च करना, मैं इसका हिंट दे देता हूँ, डिग्निटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। एंटोनिम है डिसीट, डिसऑनेस्टी और करप्शन और डिसएग्री, सॉरी डिसग्रेस, डिसएग्री नहीं, डिसग्रेस। एग्जाम्पल है ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है, उसूलों वाला, सिद्धांतों वाला आदमी है, ठीक है। ट्रिक द मैनकाइंड पावर इज इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी। जो इंसान की पावर है, एक तो उसकी ईमानदारी है इंटीग्रिटी और एक है प्रोबिटी। रिलेटेड वर्ड है इंटीग्रिटी, वही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस, ये एक नाउन है इसके, ठीक है, इसके हिंदी में मीनिंग होती है नतीजे, यानी कि परिणाम। मीनिंग है अ रिजल्ट और इफेक्ट, टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम और अनप्लीजेंट, यानी कि अनचाहे जो रिजल्ट हमको मिलते हैं ना, जिनकी हमको उम्मीद नहीं होती है आने की, उनको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। सिनोनिम होते हैं रिजल्ट्स, आउटकम, सीक्वल और इफेक्ट। एंटोनिम्स है गाइस कॉज, ओरिजिन, सोर्स और बिगिनिंग। एग्जाम्पल होता है द मनी वॉज ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस टू टोनी, ठीक है। ट्रिक है द सीक्वेंसेस आर चेंजेस ड्यू टू बैड कॉन्सिक्वेंसेस। जो सीक्वेंस है हमारा बैड कॉन्सिक्वेंसेस के, सॉरी, बैड कॉन्सिक्वेंसेस के कारण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रिलेटेड वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेटेड, जो कि एक वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रभुत्व, यानी कि हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, यानी कि दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना। सिनोनिम है प्रिसाइडिंग, रूलिंग, गवर्निंग और कंट्रोलिंग। एंटोनिम्स है गाइस ऑक्सिलरी, एक्स्ट्रा, इंपोर्टेंट और इनकेपेबल। एग्जाम्पल होता है द रूलर वॉज डिपिक्टेड एज डोमिनेंट बाय हिज साइज, कॉस्ट्यूम एंड एक्शंस, ठीक है। इसको लर्न करने की ट्रिक देखो, रैम्पेंट से आप लोग लर्न करना। रैम्पेंट मैंने 10 बार बता चुका, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी अलग से आता है सिनोनिम में एग्जाम में। तो रैम्पेंट का मतलब अनियंत्रित होता है, ऐसे आप याद तो इसको रखेंगे। इसके अलावा डोमिनेंट को भी आप रैम्पेंट से लर्न करेंगे। डोमिनेंट पावर्स कैन कॉज रैम्पेंट सिचुएशन, जो डोमिनेंट पावर है वो रैम्पेंट सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। रिलेटेड वर्ड है डोमिनेंस, डोमिनेंटली और डोमिनेंट। प्रोविजन यह एक नाउन है, हिंदी में मतलब होता है प्रावधान, जैसे कि फोटो में देख सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसी प्रोविजन है। चलो इनको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आता है नेशनल, सबसे ऊपर तो NE, फिर SE और लास्ट में FE। NE का मतलब होता है नेशनल इमरजेंसी, SE का मतलब होता है स्टेट इमरजेंसी और FE का मतलब होता है फाइनल इमरजेंसी। आपको फर्स्ट वाला बस याद रखना है, फर्स्ट वाले का होता है आर्टिकल 252, नेशनल इमरजेंसी, फिर 4 और 4 प्लस करते जाओ, स्टेट इमरजेंसी का हो जाएगा 256 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का हो जाएगा 260। ऐसे आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस को। अब यहाँ पर मैंने फोटो इसकी लगाया था, इसलिए आपको बता भी दिया, वरना ये जीएस का पार्ट है। जीएस वाले टीचर आप जिनसे भी पढ़ते होंगे बहुत अच्छे से उन्होंने बताया होगा। सिनोनिम है अरेंजमेंट, प्लान, ठीक है, ठीक है, अकाउंटरमेंट और केटरिंग। एंटोनिम्स है रिमूवल, ठीक है, टेकिंग पोजिशन, यहाँ पर ए आएगा, एस नहीं आएगा। एग्जाम्पल है आई कैरीड माई प्रोविजन्स इन वन लार्ज बैकपैक, मैंने अपने जितने भी प्रोविजन्स थे एक बड़े से बैकपैक में रख लिया है। इसकी ट्रिक है प्रोविजन इज मेड टू क्लियर द विजन, जो प्रोविजन है वो आपके विजन को क्लियर करने के लिए बनाया गया है। तो आप प्रोविजन को किससे लर्न करेंगे, विजन से आप लोग लर्न करेंगे।
रिलेटेड वर्ड है प्रोविजेंट और प्रोविजनिंग। आज का हमारा 19th वर्ड है, एक वर्ब है मोबिलाइज्ड, कई बार आया है। इसका अर्थ होता है गतिशीलता। फोटो में आप देख सकते हैं सारे व्यक्ति गतिशील हैं, है ना। द एबिलिटी टू मूव और बी मूव फ्रीली एंड इजीली, यानी कि आपकी ऐसी योग्यता जिसमें आप इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। इसके सिनोनिम है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, मैनुवरेबिलिटी, मोटिलिटी और मूवेबिलिटी। एंटोनिम है इमोबिलिटी, इमूवेबिलिटी, इमोटिलिटी और इमूवेबलनेस। मूवेबलनेस के पहले आपने इम लगा दिया और उसको नेगेटिव बना दिया, मतलब उसका अपोजिट बना दिया। एग्जाम्पल है सी लॉस्ट मोबिलिटी इन हर लेफ्ट हैंड, वो अपने हाथ, अपना जो उसका लेफ्ट हैंड है उसमें उसकी मोबिलिटी को वो लॉस कर देती है, यानी कि उसका लेफ्ट हैंड जो है वो मोशन नहीं कर पाता है, मूव नहीं कर पाता है। ट्रिक है इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड टू प्रोवाइड मोबिलिटी। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को मोबिलिटी प्रोवाइड कराए, गतिशीलता प्रदान करें ताकि वो आगे बढ़ सकें लाइफ में। रिलेटेड वर्ड है मोबिलाइज और मोबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है कंसीडरेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका मतलब होता है काफी विचारणीय। मीनिंग है बाय अ नोटेबली लार्ज अमाउंट और टू अ नोटेबली लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज सफिशियंट क्वांटिटी में होना। फोटो में आप देख पा रहे हैं। सिनोनिम है appreciably, far, greatly और markedly, ठीक है, markedly, mark में ly लगा है, ठीक है। एंटोनिम्स insignificantly, little, slightly और unappreciable। एग्जाम्पल ही इज कंसिडरेबली फैटर देन ही वॉज वेन आई नो, मतलब पहले से ये काफी मोटा हो चुका है। ट्रिक है द अमाउंट इज कंसिडरिंग द मैनेजिंग डिपार्टमेंट, मैनेजिंग से आप कंसिडरिंग को लर्न कर लेना। रिलेटेड वर्ड है कंसिडरिंग, कंसिडर्ड और कंसिडरेबली। सो गाइज, ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है और आपको यूजफुल लगा आज का सेशन, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन करें। इसमें आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल जाया करेंगी, ताकि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। आप पीडीएफ से अपने फ़ोन में पीडीएफ को रख करके आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।